ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का नारद जी द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचरण एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्रज्ञ, तात विधाते आपको नमस्कार है। कृपा निधे, आपके मुँह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शंकर उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नतापूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया, तत्पश्चात उसे बांझ कर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया। अब मैंने वह विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर यह सुनकर वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुनि तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़ विनित भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्त ऋषियों ने लग्न का साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से सातवें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने तुम विष्णु आदि सब देवताओं मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लिए यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास जाकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा का पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आई। वे सबके सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि नाग सिद्ध उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवताओं आदि पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किया। आदि विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मृत मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वहीं उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका सो सुंदर ललाट वर्ती तीसरा नेत्र था,
वही शुभ तिलक बन गया। मुने कानों के आभूषणों के रूप में जो दो सर्प बताते गए वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त हो दो कुंडल बन गए। अन्यान्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंग राग बन गया और उनके जो गज आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकुल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि गण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल महादेव, आप अपने भक्तजनों का भकार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी संभव आप ग्रह्य सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिजा कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थान स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभ्युदयिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था, अतः वहाँ मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया। महामुने उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, गणव, बृहस्पति, शक्ति, जमद, अग्नि, पराशर, मार्कंडे, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्गशिला, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतवर्ण, व्रण, पिपलाद, कुशिक, कोच तथा शिष्यों सहित व्यास, येक और दूसरे बहुत से ऋषि और जो भगवान शिव के समीप आए थे मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहाँ अभ्युदयिक कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके वे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरि श्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सानंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया, बाजे बजे तथा गान और नृत्य किया। ओम नमः शिवाय।